आज का वीडियो एक बहुत ही बेसिक लेवल ऑफ एक्सेल ट्यूटोरियल होने वाला है एंड द द एंड ऑफ वीडियो आई एम आल्सो गोइंग टू शेयर सम ऑफ द टॉप यूज केसेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इन अ इनपोरेट सेटिंग मतलब किस किस चीजों में एक्सेल एक्चुअली यूज होता है इन अ कंपनी हाय वन वेलकम टू इन ज्ञान मेरा नाम सोमी है आई एम मीन आई टी डेली एन आई एस बी द लास्ट ऑलमोस्ट टेन ईयर्स इस चैनल पर मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ मैं थोड़े एजुकेशनल वीडियोज भी बनाती हूँ रिलेटेड टू बिजनेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स एक्सेट्रा सो इफ ऑल ऑफ दीज इंटरेस्ट यू देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल है इन अ proper setting and the biggest thing is because you can do a lot of calculations in an excel you can use it for storing data you can use it for so many different things data storage se leke simple calculations se leke complex financial models सब कुछ कर सकते हो आप एक्सेल में विच इज वाई इट इज वन ऑफ माई फेवरेट टूल्स वेन एवर आई बेनिफिट एनालिसिस इवन इन पर्सनल लाइफ आई एंड अप ओपनिंग एन एक्सेल शीट एंड वर्किंग ऑन इट सो एक्सेल के बेसिक्स क्या है कौन सी चीजें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है लेट्स गेट स्टार्ट आपको देख रहा होगा अभी दिस इज माइक्रोसॉफ्ट अब हर एक वर्क बुक के अंदर आपने अब देखेंगे नीचे जो है कुछ कुछ टैब्स है शीट वन कॉमन फंक्शन को मैंने रीनेम कर रखा है शीट टू को बट आई कैन एड अनादर टैब एंड यूज इट एज एज डिफरेंट पेजेज टू पुट डिफरेंट थिंग्स इन राइट शीट वन पे वापस चले जाते हैं शीट थ्री को डिलीट मार देते हैं और बाकी आपको दिख रहा होगा कि एक्सेल में ऊपर काफी सारी चीजें हैं

करना करना है, उसका average निकालना है, है, उसका निकालना या कुछ भी करना है, आप उन cells को reference कर सकते हो। And जो effects आपको दिख रहा होगा दिस इज वेयर द फॉर्मुले इफ यू पुट इन एनी फॉर्मुले और इफ यू पुट इन एनी थिंग ऑन एन इज वेयर इट शोज वॉट यू हियर अब बेसिक फंक्शनलिटीज क्या है अगर आपको डेटा स्टोर करना है किसी एक्सेल में तो आप कैसे कर सकते हो राइट right? मान लीजिए आपने डिफरेंट कॉलम्स बना लिए आपको डिफरेंट स्कूल स्टूडेंट्स के डिफरेंट डेटा पॉइंट्स इकट्ठे करनी हैं। सो so, आपने नेम लिख दिया एज लिख दिया उनका कौन से क्लास में पढ़ते हैं लिख दिया उनका सेक्शन मे बी देर फाइनल एग्जाम स्कोर्स एंड उसके बाद आपने यहाँ पे डेटा भरना शुरू कर दिया आ, मान लीजिए अजीत का एज है टेन ईयर्स she or he is in fifth standard class five में है ये section A में है exam score उसका ninety percent रहा है then there is maybe someone called Meena who has who is of age twelve वो seventh में है section B में है उसके eighty percent आए हैं ठीक है आप इस तरह से एक पूरा database बना सकते हो Excel में and later you can do a lot of different analysis ऑन दिस so करने के लिए आपको ऑब्वियसली कुछ फंक्शन या फॉर्मुले की जरूरत है नाउ लेट मी गो टू दैब विच इज कॉमन फंक्शन टैप और यहाँ मैंने कुछ कुछ पहले से प्रीपॉपुलेट कर रखा है इसके थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि हाउ टू बेसिकली यूज एन एक्सेल उसके पहले इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं सो दैट इट्स इजियर फॉर यू टू सी वॉट है so सो लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन फंक्शन एंड द फर्स्ट वन इज समंशन विच मीन इट हेल्प यू एड ऑफ नंबर ओके जैसे की ये डेटा बेस मैंने यहाँ पे बना रखा है ये आप यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया ये आप देख रहे होंगे मान लीजिए आपके नेम है एंड नंबर ऑफ आइटम्स है ठीक है ए के पास ट्वेंटी थ्री आइटम्स है बी के पास थर्टी फोर आइटम्स है सी के पास अचानक से फॉर सम रीजन थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी फाइव आइटम्स है सो वन एंड सो फोर्थ तो आपको जानना है कि एस से लेके एच तक इन सबके पास टोटल कितने आइटम्स है सो वट आर यू गोइंग टू डू यू वस्ट गोइंग टू राइट अ फॉर्मूला फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू से शुरू होता है इक्वल टू सम ओके उसके बाद अब ब्रैकेट लगाओगे एंड जैसे कि मैंने बोला था अब आपको 23, 34 ये लिखने की जरूरत नहीं है आप सेल्स को रेफरेंस कर सकते हो सो यू आर गोइंग टू सिलेक्ट ऑल दीज द ब्रैकेट एंड यू आर गोइंग टू डू एंटर एंड आपको सारे नंबर्स का सम यहाँ पे आ जाएगा इट्स एज सिंपल एज दैट और एक चीज आपको बताना चाहती थी आप देखोगे कि जैसे ही आप इक्वल टू लगाओगे ना इक्वल टू लगाने के बाद मान लीजिए यहाँ पे एवरेज है आपने लिखा तो ना एक्सेल आपको अपने आप ही प्रॉम्प्ट करने लग जाएगा कि आपको क्या डालना है इसके बाद जैसे आप इसके इन्फॉर्मेशन में जाओगे इट शोज नंबर वन नंबर टू सो दैट इज वॉट यू नीड टू पुट लाइक यू नीड टू पुट द डिफरेंट नंबर यू कैन डू दिसमा दिस Bracket close on this, or you can just select the entire range, yaha se and then you put an enter, and you see that the average of all these numbers over here is one thousand one hundred and fifty one.

डालने के लिए यूज हो रहा है सो बेसिकली मान लीजिए आपको यहाँ पे वो रिटर्न कराना है अगर आपका कॉलम डी में ए है तो आपको 23 रिटर्न कराना है और अगर कॉलम डी में जहां पे a नहीं है वहां पे जीरो मान लीजिए आपको ऐसा करना है सो वॉट इज़ इक्वल टू द फर्स्ट सेल इज डी टू रिटर्न ट्रू और like okay? आपका फॉर्मूला है में अगर होगा, तो आपका ट्रू वैल्यू रिटर्न होगा नहीं तो फॉल्स रिटर्न होगा यू यूज एक्सेल यू नीट टू बी वेरी केयरफुलटिंग इन सम ऑफ द फॉर्मूला कुछ चीजें ब्रैकेट में आती है कुछ चीजें नहीं आती है सो so उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है से ऐसे numbers को sum करो, अगर कंडीशन इज राइट सो वॉट यू इज ब्रैकेट में यू आर गोइंग टू सिलेक्ट दिस इंटायर थिंग एंड वेर एवर देर इज एन ए यू आर आस्किंग नंबर ऑफ आइटम्स सो यहां पर आप इमेजिन कर सकते हो कि अभी नंबर जो रिटर्न होगा वो ट्वेंटी थ्री होगा बिकॉज डी कॉलम में सिर्फ एक ही ए है राइट सो इफ यू पुड एंटर यू सी ट्वेंटी थ्री बट मान लो आपने अब जो ई e है इसको भी कन्वर्ट करके ए डाल दिया तो आप देखोगे जो आपको नंबर रिटर्न हो रहा है यहाँ पे इट्स टू बी ट्वेंटी थ्री प्लस फिफ्टी फाइव ओके इसको फिर से वापस चेंज कर देते हैं सिमिलरली फॉर इफ अगर आपको काउंट करना है मान लीजिए आपको काउंट इफ इन दिस डेटा बेस इट इज अ वैल्यू अभी तो एक ही है तो वन रिटर्न होना चाहिए सो इट्स वन बट मान लीजिए अगर आपने ई e की जगह फिर से ए कर दिया पूरे डेटाबेस में दो ए वैल्यूज है ए कर दिया तो नाउ इज गोइंग टू रिटर्न थ्री सो ऑन एंड सो फोर्थ अब बाकी जो है एंड ऑर एंड ऑर आर वेरी कंडीशनल स्टेटमेंट आपको अगर मे बी यू वॉन्ट टू से इज इक्वल टू एक्स वाई जी

वो वैल्यू रिटर्न करो तो बेसिकली ए की जगह जो 23 है वो रिटर्न हो जाएगा इट्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड सो मे बी आई डोंट वेस्ट टाइम इन दिस वीडियो टू एक्सप्लेन वी लुकअप आई डू दैट इन अ सेपरेट वीडियो सो एज प्रॉमिस नाउ लेट मी टॉक अबाउट द फाइव प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो बहुत ही कॉमनली यूज होता है एंड नंबर वन इज डेटा एंट्री एंड स्टोरेज यू हैव अ लॉट ऑफ नंबर मे बी यू वॉन्ट टू रन एन एनालिसिस ऑन और इवन इफ यू डोंट वॉन्ट टू रन एन एनालिसिस यू जस्ट हैव टू स्टोर द डेटा यू आर गोइंग टू यूज अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिकॉज पहले से टेबल बना हुआ है वहां पर सेकेंडली अफकोर्स द अन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज डेटा एनालिसिस जैसे कि मैंने अभी दिखाया डिफरेंट फंक्शन यूज करके आपको किसी तरह का डेटा एनालिसिस करना है तो एक्सेल में वो चीज बहुत ही आसान हो जाता है थर्डली बजटिंग एंड अकाउंटिंग नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन यूज केस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर आपको मान लीजिए ये एस्टिमेट करना है कि आप इस साल पूरे साल में आपके कितने खर्चे होंगे ओके सो दैट्स वेन यू कैन डू अ बिट ऑफ बजटिंग एंड अकाउंटिंग एज वेल ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फोर्थली यू कैन ऑल्सो फोरकास्ट मान लीजिए आपने ये डिसाइड किया कि इस साल आपने एक लाख रुपए खर्च किया है एंड आपको पता है कि नेक्स्ट टू ईयर्स में आपका आपके जो खर्चे

I wanted to let you know that this was an experimental video to see if.

Yeah, hope you found this helpful. If you did, hit the like button and subscribe to the channel as well. And I'm going to see you in the next one. Till then, bye.